बिहार में बीते कुछ सालों में महिला सशक्तिकरण को काफी बढ़ावा मिला है। सरकार की कई नीतियां ऐसी हैं जो न सिर्फ महिलाओं की शिक्षा पर जोर देती हैं, बल्कि उन्हें रोजगार से जोड़ने के लिए उनकी मदद भी करती हैं। हालांकि महिलाओं का कहना है कि सरकार महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है, लेकिन अभी जरूरत है कि महिलाओं को उनके पैरों पर खड़ा किया जाए और इसके लिए सरकार की मदद बेहद जरूरी है। महिला कारोबारियों की मांग है कि सरकार इस बार के बजट में उनके लिए खास प्रावधान करे और सब्सिडी पर लोन मुहैया कराए, जो कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी हम लोगों को सहयोग करना चाहिए। तो सरकार से ये निवेदन है कि वुमेन्स को आगे बढ़ाए। जो घर में रहती हैं औरतें, उन लोग अपने बिजनेस को लेके कुछ तो आगे बढ़े, इसलिए उनको भी हम लोगों के लिए लोन प्रोवाइड करना चाहिए। सरकार इसमें हम लोगों को अगर सहयोग करेगी तो हम लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं। सरकार से मैं यही कहना चाहूँगी कि जो जूनियर कम स्केल के जो इंटरप्रेनर हैं या विमेंस इंटरप्रेनर हैं, उनको सरकार हमेशा आगे बढ़ाए। पहले भी बढ़ाती थी, क्योंकि हम विमेन के लिए आगे बढ़कर कुछ करना हमारे राज्य के लिए, बिहार के लिए बहुत बड़ी बात होगी। मतलब हमें ये चीज़ एक तो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें जिसको हम अपने व्यवसाय को बड़े रूप में इंटरनेशनल लेवल में, पहले तो नेशनल स्टेट के बाहर जाके हम कुछ एक्स्ट्रा कर सकें, देन स्टेट के वाइज हम अदर कंट्रीज में जाके कुछ, ये प्रमोट। बिजनेस करने में हमको मेला मिलना चाहिए, पैसा का थोड़ा सा हो जाता है, ये मेला हमको मेन चीज़ दुकान है, दुकान मिलना चाहिए ताकि हम इसको अपना काम बढ़ा सकें। उसमें थोड़ा प्रचार प्रसार भी होना चाहिए। प्रचार प्रसार में जैसे आप लोग मीडिया वाले आए तो उसको अच्छा प्रचार कीजिएगा तो मेरा अच्छा सामान निकलेगा। तीसरा होगा मटेरियल का, सिल्क का बहुत महंगा मिल रहा है, जो धागा है बहुत सिल्क मिल रहा है महंगा, तो उसको थोड़ा सा सरकार की तरफ से कहेंगे जो थोड़ा कम करें।